हल्द्वानी में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसको लेकर हल्द्वानी नगर निगम में आपदा प्रभावित लोगों के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम द्वारा अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्ड वार नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सिंचाई विभाग द्वारा कोला बैराज से जल संस्थान को पेयजल की आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्यदायी विभागों द्वारा विषम परिस्थितियों में प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए तत्काल राहत व बचाव कार्यों को किया जा रहा है। वहीं बारिश के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करते हुए प्रभावितों को राहत सामग्री और राहत धनराशि के चेक मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए, विगत दिवस जो अतिवृष्टि के कारण शहर में जल भराव और पहाड़ों की जो गाद भर गई है, तो कई मकान टूट गए हैं, कईयों में दरार आ गई है। इनका कारण अतिवृष्टि है और अतिवृष्टि भी मुख्यतः कलसिया गधेरे ने बद्रीपुरा काटदम और देवलढुआ में नुकसान पहुंचाया है और बरेला आम पानी नाले ने शहर के अंदर जल भराव किया है, ये भी पहाड़ से आता है। तीसरा आपका रकसिया नाला जो दम्मनडुगा जहार ज्योति से जिसकी शुरुआत होती है, उसने भी बिठोरिया क्षेत्र नीचे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक जहाँ तक रकसिया नाला जाता है लगभग 10-11 किलोमीटर के स्पैन में काफ़ी तबाही मचाई है। खेती हो, आवास हो, सार्वजनिक संपत्तियाँ हो, रोड हो, नालियाँ हो, इत्यादि सब में वर्तमान में दिक्कत आई हुई है। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वतः सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान संगठन सभी इस आपदा में सभी को राहत पहुंचाने के लिए लगे हुए। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि लालटांड क्षेत्र में रसकिया नाले के आसपास मार्ग पर मलबे को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 1165 श्रमिकों व पर्यावरण मित्रों के द्वारा राहत कार्य को किया जा रहा है। मेयर ने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी के अधिक प्रभावित वार्डों में मलबा निस्तारण का काम लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में रोड क्लीनिंग, कूड़ा निस्तारण, ड्रेन क्लीनिंग और कीटनाशक का छिड़काव के कार्य भी किए जा रहे हैं।